दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लाल किले के परिसर में बनी मुख्य ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताएंगे। नंबर फर्स्ट, छाबई बाजार। दुनिया का यह भव्य और ऐतिहासिक स्मारक लाल किले के परिसर में स्थित है और यह लाल किले में मौजूद मुख्य ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसे सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। नंबर सेकेंड, लाहौरी गेट। लाहौरी गेट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इमारत लाल किले के अंदर बने मुख्य आकर्षणों में से एक है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर से लिया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लाहौरी गेट की देखरेख नहीं की गई थी, जिसके चलते इसके आकर्षण में कमी आ गई थी। आपको बता दें कि जब इस गेट का निर्माण किया गया था, तब मुगल बादशाह शाहजहां ने इसकी मनमोहक सुंदरता की वजह से इसे एक सुंदर महिला के चेहरे का खिताब दिया था। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के बाद जब से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तिरंगा फहराया, तब से हर साल 15 अगस्त को यहाँ की बालकनी से देश के पीएम द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। नंबर थर्ड, दिल्ली गेट। लाल किले के अंदर बना दिल्ली गेट भी अपने आकर्षण और सौंदर्य की वजह से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह गेट लाल किले के दक्षिण की तरफ बना हुआ है। वहीं इस गेट के अंदर वीआईपी और कुछ स्पेशल लोग ही एंट्री कर सकते हैं, जबकि आम लोग इस भव्य लाल किले के अंदर बने अन्य गेट से प्रवेश ले सकते हैं। नंबर फोर, रंग महल। जंग आज़ादी का गवाह रह चुका दुनिया की इस भव्य और ऐतिहासिक लाल किले के अंदर बना रंग महल रंगीन मिजाज के रहे मुगल शासक शाहजहां की पत्नियाँ और उनकी रखेलों के लिए बनाया गया था। पहले रंग महल का नाम पैलेस ऑफ कलर्स भी रखा गया था। इस रंग महल के बीचों बीच एक नहर भी बनी हुई है, जो कि इस महल के तापमान को गर्मियों के दिन में बेहद ठंडा रखती थी। वही रंग महल की बेहद सुंदर नक्काशी की गई थी। इसकी भव्यता और सौंदर्य को देखकर हर कोई इसकी तारीफ करता था। नंबर फाइव, दीवाने आम। यह मुगल शहंशाह शाहजहां के द्वारा 1631 और 1640 के बीच में प्रमुख कोर्ट के तौर पर बनाया गया था। यह उस दौरान मुगल बादशाह का शाही महल हुआ करता था। इस स्मारक में शानदार नक्काशी और आकर्षक सजावट करने के साथ साथ सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर सभी मुख्य फैसले लिए जाते थे। नंबर सिक्स, दीवाने खास। भारत की इस बहुमूल्य ऐतिहासिक इमारत के अंदर बना दीवाने खास भी मुगल बादशाह शहंशाह का पर्सनल रूम था, जहाँ की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर और रत्न जड़े हुए थे। नंबर सेवन, मोती मस्जिद। दुनिया के इस भव्य किले के परिसर में बनी मोती मस्जिद को साल 1659 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा अपनी निजी मस्जिद के रूम में बनवाया गया था, जहां पर वह अपनी रोज़ की नमाज अदा करता था। आपको बता दें कि मोती मस्जिद का अर्थ है पर्ल मस्जिद। ईसाई और अति भव्य मस्जिद में कई छोटी छोटी गुंबद और मेहराब बनी हुई है। इस मस्जिद को सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है, जहां पर सुंदर वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। नंबर एट, मुमताज महल। मुमताज महल इस भव्य ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में बनी छह सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है, जिसका नाम मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा गया है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएँ यमुना नदी से जुड़ी हुई है। इस महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से करवाया गया था, जिन पर सुंदर फूलों की आकृति बनी हुई है। मुमताज महल मुगल शासकों की अनूठी वास्तुकला और आकर्षक डिजाइन का पता लगाने के लिए प्रभावशाली संरचना भी है। लाल किले के परिसर में बने मुमताज महल में पहले मुगल बादशाहों राजशाही महलों में काम कर रही महिला या फिर दासियां रहा करती थी। हालांकि अब यह एक खूबसूरत म्यूजियम है, जिसके अंदर मुगल काल के कई कलाकृति जैसे तलवारें, पेंटिंग, पर्दे व अन्य वस्तुएं रखी हुई है। दोस्तों, ये थी लाल किले के परिसर में स्थित कुछ ऐतिहासिक इमारतें।